गुड आफ्टरनून एवरीवन. सो स्टूडेंट्स, यस्टरडे वी डिड सम एमसीक्यूज फ्रॉम द चैप्टर प्रोबेबिलिटी, राइट? टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द क्वेश्चंस फ्रॉम द चैप्टर सर्कल्स. नाउ आई विल बी शेयरिंग सम एमसीक्यूज विद यू फ्रॉम द चैप्टर सर्कल्स, बट बिफोर दैट लेट अस रिवाइज द थ्योरम्स. लाइक द क्वेश्चंस विल बी बेस्ड अपॉन द एंगल्स, हाउ टू फाइंड डिफरेंट टाइप ऑफ एंगल्स, राइट? So, before sharing the screen, let us discuss the theorems which will be used in the questions in order to solve it. So, there is a first theorem: equal chords of a circle subtends equal angle at the center. Equal chords of a circle. देखिए बेटे, that like if there is a circle. And there are two equal chords. अगर दो chords equal हैं तो जो center पे angle बनता है वो भी क्या होगा? Equal. This angle one will be equal to this angle two. If AB is equal to CD, then angle one is will be equal to angle two. Similarly, the other theorem is that if the angle subtended by the two chords at the center are equal, ध्यान से सुनो, all the things are will be used in the question. अगर दो chords जो center पे angle बना रहे हैं वो angle अगर equal है बेटा, then the two chords will be equal. So this is true for the two congruent triangles also, as you have the question in the exercise. Theorem is for one circle, that question is for two circles. So do agar do equal chords alag alag congruent circles mein bhi hain, jaise aapke paas do circles hain, ye chord iske equal hai, to ye wali chord jo center pe angle banayegi aur ye wali chord jo center pe angle banayegi wo bhi aapas mein kya hoga? Equal. Only if the circles are given congruent. Clear? Next theorem we have: the perpendicular from the center of the circle to a chord bisects the chord. All the theorems are very 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 important beta. Iske jo proof humne nahi karne, lekin proof sirf ek hi ka karna hai, that I have told you earlier. Jo iske statement hai, jo rule hai, that is used in the question, so you need to learn all the theorems. कि ये theorems है, इसका क्या rule है, इसका क्या मतलब है, ठीक है? The perpendicular from the center of the circle to the chord bisects the chord. Now there is a circle and there is a chord. अगर आप center से इस chord पे कोई perpendicular बनाते हो, सेंटर से कॉर्ड पे बेटा कोई परपेंडिकुलर बनाते हो, तो वो जो परपेंडिकुलर है वो उस कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगी. मींस दिस पोर्शन विल बी इक्वल टू दिस पोर्शन. द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू द कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, एंड सिमिलरली इट्स कन्वर्स. That if a line drawn through the center of the circle, इसका कन्वर्स भी है कि अगर हम सर्कल के सेंटर से कोई लाइन ड्रॉ करते हैं कॉर्ड पे, सर्कल के सेंटर से कोई लाइन ड्रॉ करते हैं किसी कॉर्ड पे और वो कॉर्ड बाइसेक्ट कर रही है, अगर मैं लिखती हूं कि ओ, आई एम ड्रॉइंग ओ डी लाइन from the center to AB such that AD is equal to BD. अगर ये इसके equal है, this implies OD is perpendicular to AB. इसका मतलब ये 90 degree है. So I hope the both the theorems are clear. अगर perpendicular है तो bisect करता है, अगर bisect कर रहा है तो वो perpendicular है. जैसे कई बार question given होता है ऐसे, आपको ये नहीं given ये 90 है, लेकिन ये गिवन होता है कि ये इसके इक्वल है, ये 5 ये 5. अगर ये इक्वल है तो ये 90 होगा. फिर इस पे पाइथागोरस थ्योरम लगाकर
मान लो ये भी गिवन है, सपोज जो भी गिवन है 12, तो आप पाइथागोरस थ्योरम लगा के ये निकाल सकते रेडियस। ठीक है बच्चे, आगे देखिए, ये तो सर्कल वाला है, देयर इज वन एंड ओनली वन सर्कल कैन पास थ्रू द थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, दैट इज ओके, यू हैव टू ड्रॉ द सर्कल। देन नेक्स्ट इज इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर, वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम, इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर, दिस इज ए बी एंड दिस इज सी डी, ए बी कॉर्ड इज इक्वल टू द कॉर्ड सी डी, इफ द कॉर्ड ए बी इज इक्वल टू सी डी तो बेटा इसका डिस्टेंस सेंटर से क्या होगा, इक्वल, ओ एम ओ एम। इफ ये थ्योरम्स हैं बच्चे, अगेन आई एम सेइंग, अगेन आई एम टेलिंग यू द प्रूफ ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ दिस थ्योरम्स, यू नीड टू अंडरस्टैंड, यू नीड टू लर्न बाय हार्ट, देन ओनली यू विल बी एबल टू सॉल्व द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस। ठीक है, ये आपका सेंटर है, ठीक है, इफ ए बी इज इक्वल टू सी डी दिस इंप्लाइज ओ एम इज इक्वल टू ओ एन, if two chords are equal then the distance from their centers are equal, equal chords are equidistant from the center, iska maine aapko proof bhi karwaya tha construction karke, though the proof I think it is not in your syllabus but we have done, then beta there is next theorem, chords equidistant from the center of the circle are equal in length, एग्जाम्पल सर्कल्स की हमारी पढ़ी है, वी विल डू दैट ऑन मंडे, आज हम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, मंडे को सर्कल्स की एग्जाम्पल्स करेंगे विच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, सो द नेक्स्ट थ्योरम इज दैट कॉर्ड्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर, हमने अभी थ्योरम की कि अगर ये इक्वल है तो ये उसका डिस्टेंस सेंटर से इक्वल होगा, तो इसका कन्वर्स क्या है कि अगर दो कॉर्ड्स हैं उनका डिस्टेंस सेंटर से इक्वल है तो उन कॉर्ड्स की लेंथ भी क्या होगी, इक्वल, कॉर्ड्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर आर इक्वल इन लेंथ। देन नेक्स्ट डिग्री मेजर थ्योरम, अगेन वेरी इजी, डिग्री मेजर थ्योरम सेज दैट द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क, this is an arc PQ, it is making an angle this POQ at the center, the angle subtended by an arc at the center is double the angle subtended by it at the remaining part of the circle, jo center pe angle hai wo double hai, agar ye x hai to ye kitna hai 2x, तो ये ध्यान रखना है कि मान लो अगर ये 100 है तो ये 50, बच्चे क्या करते हैं ये 100 है इसको 200 लिख देते हैं, sometimes students get confused, no, ऐसे आपने याद रखना है ये x ये 2x, ये double है तो उसका half, जो center में angle है that is the double of the angle subtended by the arc at the remaining part of the circle, this is the case of minor arc, ठीक है, similarly you have the case for the when the arc is a semicircle, tab bhi p o q, agar ye x hai ye to fir 180 hua na, to ye kitna hua ye wala angle 2x, ye bhi le lo 2x chahe ye bhi le lo 2x, in this degree measure theorem we have one more case when the arc is major, मान लो p यहां है q यहां है, ये अब आर्क कैसे बन गई, ये सेंटर है सर्कल का, ये बन गई मेजर आर्क, अब जो मेजर आर्क है वो कौन सा एंगल बनाती है, ये p o q, and
this angle. Now reflex angle POQ is twice of angle PAQ. Means अगर ये x है तो 2x angle कौन सा होगा? ये वाला. This is reflex angle. और अगर आपको ये angle find करना है, ये given है suppose, तो उससे पहले आप ये reflex angle double करोगे, ठीक है? फिर 360 में से minus करोगे इसको, तो आपके पास ये internal angle आएगा. Means in case of major arc, double angle कौन सा है? ये वाला, reflex वाला, नीचे की तरफ वाला, ना कि ये. Yes, Dhiren. मैम केस टू में दोनों तरफ 2x ही होगा क्योंकि स्ट्रेट लाइन है ना बच्चे, स्ट्रेट लाइन है तो केस टू में तो बनता ही 180 है. ये बनेगा ही 180, ये 180 और ये 90, और यहां से कौन सा रूल सेटिस्फाई होगा? एंगल इन अ सेमी सर्कल इज 90. हैव वन थ्योरम, एंगल इन अ सेमी सर्कल इज 90. तो सेमी सर्कल में जो एंगल बनता है वो हमेशा 90 ही बनेगा, क्योंकि हमारे पास ये कौन सी लाइन है? ये डायमीटर है. स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन पे कौन सा एंगल बनता है? 180. ठीक है बेटे, डिग्री मेजर थ्योरम आई हैव डिस्कस्ड. एंगल इन अ सेमी सर्कल इज 90, ये भी मैंने अभी आपको बता दिया. एक और इंपॉर्टेंट थ्योरम हमारे पास है, लाइक दिस इज अ सर्कल and this is an arc chord PQ, means this is an arc PQ. यही जो arc है, arc, ये arc taking this line, ये आपकी angle बना, ये देखो बेटा, आपको पता है ये कौन सा segment है? Minor segment. ये कौन सा segment है? Major. मतलब ये एक segment है, ये दूसरा segment है. अब ये जो arc PQ है, ये angle बना रही है PAQ यहाँ, और यही arc ये एंगल बना रही है PBQ यहाँ. सो देयर इज अ थ्योरम, एंगल इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल. दिस एंगल वन विल बी इक्वल टू दिस एंगल टू. व्हाई? बिकॉज एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल. ओके, नेक्स्ट. बस दो थ्योरम्स रह गई हैं, फटाफट से करेंगे. साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल वी हैव जस्ट डिस्कस्ड 2 days back. A quadrilateral is a cyclic quadrilateral. अगर उसके साथ 4 vertices, if it lies on the circle. So this is a cyclic quadrilateral. The sum of either pair of opposite angles of a cyclic quadrilateral is 180 degree. अगर quadrilateral figure आपको cyclic given है, तो उसके opposite angles का sum कितना है? 180 डिग्री. इक्वल नहीं है, ऑपोजिट एंगल्स इक्वल नहीं है, ऑपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री है. और अगर किसी क्वाड्रिलेटरल जो आपको साइक्लिक मतलब दिख रहा है ऐसे, अगर दोनों का सम 180 डिग्री है, देन द क्वाड्रिलेटरल इज साइक्लिक. बाय टेकिंग दिस थ्योरम वी हैव प्रूव्ड आवर क्वेश्चंस आल्सो. ठीक है, सो ये सारी थ्योरम्स है बच्चे. नाउ जो बुक वाले क्वेश्चंस हैं वो तो हमने किए ही हुए हैं. ठीक है, आई हैव डिस्कस ईच एंड एवरी क्वेश्चन विद यू. नाउ आई एम गोइंग टू शेयर स्क्रीन विद यू एंड देयर आर सम एमसीक्यूज, यू ऑल विल बी सॉल्विंग दैट. ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चंस योरसेल्फ. अपना दिमाग लगाओगे, प्रैक्टिस करोगे, इट विल हेल्प यू अ लॉट. जस्ट वेट. चलिए, हाँ जी, क्वेश्चन दिख रहा है बेटा सबको? जब स्क्रीन शेयर करो इसमें क्या प्रॉब्लम है? वेट करो जरा 2 मिनट. हैंग हो गया, 2 मिनट ठीक हो जाएगा.
So now please tell me that the question is visible. Yes, the answer is 12. So now let us discuss the question. What they are saying, the radius of the circle is 13. Ye center hai, radius kitna hai 13 and one of the chord is 10. Ye 10, ye radius hai, ye bhi radius hai, ye 13, ye bhi. And the length of distance of the chord from the center. सेंटर से अगर हम कोड बनाते हैं वो परपेंडिकुलर होगा एंड जो परपेंडिकुलर और मैंने आपको बताया था बेटे कि जब सर्कल के सेंटर से हम बनाते हैं ना लाइन दैट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड क्योंकि अगर हमारे पास एक लाइन है हमने यहाँ से इस पॉइंट से डिस्टेंस लेनी है तो ये सारे डिस्टेंस नहीं है वैसे तो ये डिस्टेंस है बट पर्टिकुलरली अगर हमने डिस्टेंस की बात करनी है तो डिस्टेंस कौन सा होता है जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है एंड शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द लाइन तो ये परपेंडिकुलर है और परपेंडिकुलर कॉर्ड को क्या करता है बाइसेक्ट दिस इज 5 दिस इज 5 तो ये आ गया आपका राइट एंगल ट्राइंगल पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे 13 स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर 169 माइनस 25 144 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एक्स कितना आ जाएगा 12 आई होप इट इज क्लियर नेक्स्ट सेकंड पार्ट का आंसर बताएगा कोई यस अपरन मैम 30 सेंटीमीटर सेंटीमीटर लेट मी सी द क्वेश्चन यस द आंसर इज 30 सेंटीमीटर सो दोज हु हैव नॉट गॉट द आंसर बेटा प्लीज लुक ऑन द बोर्ड एंड डोंट जैसे ना डोंट थिंक कि हाँ अच्छा ये तो हम कर ही लेंगे ये बोरिंग है या कैसे Every question is important. Same type of questions are going to come in your exams, and sometimes you are not able to do that also. A chord is at a distance of 8 centimeter from the center of the circle of radius 17. Now, radius is given to you 17. जो कॉर्ड है वो सेंटर से कितने डिस्टेंस पे है 8 ये डिस्टेंस पे है सेंटर से कॉर्ड पे जो लाइन सेगमेंट होती है वो ऑलवेज परपेंडिकुलर होती है यू हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड सो अगेन इट इज वेरी इजी बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम 289 माइनस 64 इज इक्वल टू दिस एक्स 15 स्क्वायर इज x स्क्वायर ये कितना आ गया 15 पूरी लेंथ बतानी है वो उसका क्या होता है डबल बिकॉज परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट बाइसेक्ट मतलब ये इसके इक्वल ये भी 15 ये भी 15 तो टोटल लेंथ ऑफ द कॉर्ड इज 30 सेंटीमीटर सो इट इज करेक्ट सी द नेक्स्ट देखिए बेटा थर्ड क्वेश्चन करो हरी अप 1 मिनट चलिए शाबाश थर्ड करके हैंड रेज करो एंगल बीओसी इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल ए बी इज इक्वल टू ए सी
find angle ABC. Very, very easy. Yes, Aryan. Ma'am, 45 degree. कैसे समझा दे फटाफट से मैम सर्कल मैम सेमी सर्कल दिया हुआ उन्होंने और सेमी सर्कल की होती है वो 90 डिग्री कौन सा एंगल का एक एंगल 90 डिग्री होता है और बीएसी हम 90 करेंगे हाँ और फिर एबीसी प्लस एबीसी प्लस एसीबी इज इक्वल टू 90 डिग्री और फिर उसका हाफ करके दोनों एंगल का सम 90 है दोनों एंगल इक्वल है तो ईच एंगल विल बी इक्वल टू 45 सो दिस वाज इजी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखिए is the center of circle OAB 40 C is the point on the circle angle ACB come on 40 right quickly answer bataiye raise your hand yes yes Laksh sabke hand raise hone chahiye lekin chat 50 yes very good samjha de fatafat se ki angle 50 kaise hai OA equals to OB radius हो जाएंगे दोनों फिर एंगल OAB और एंगल OBA equal हो जाएंगे दोनों 40 फिर एंगल सम लगा के AOB 100 आ जाएगा very good, very और एंगल डिग्री मेजर थ्योरम से ACB look on the screen now ये देखिए बेटा ये दोनों क्या हैं रेडियस OA and OB are the radius ये 40 है तो ये भी 40 ठीक है तो इस ट्रायंगल में अगर हम एंगल सम प्रॉपर्टी लगाते हैं तो ये कितना आ जाएगा 100 सो वी हैव डन द डिग्री मेजर थ्योरम एंगल एट द सेंटर इज डबल ये 100 है तो ये कितना हो जाएगा एंगल एसीबी 50 ठीक है फाइन नेक्स्ट क्वेश्चन ये बहुत सिंपल है ए बी एंड सी डी आर टू इक्वल कॉर्ड्स ऑफ द सर्कल विद सेंटर ओ अगर एंगल AOB 80 है COD क्या होगा वर्टिकली ऑपोजिट एंगल से वो भी कितना हो जाएगा 80 सिंपल है या फिर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स यहां पर ना वर्टिकली ऑपोजिट एंगल नहीं लगेगा कौन सी थ्योरम लगेगी इक्वल कॉर्ड सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर क्योंकि ये जो लाइन आपको दिख रही है ना ये देखो ये स्ट्रेट लाइन नहीं है तो वर्टिकल नहीं लगेगा If two chords are equal, then they will subtend equal angle at the center. ठीक है? Next, ये देखो. ये अभी मैंने भी solve नहीं किया. Let me read out with you, everyone. BOC diameter. अपना अपना पढ़ो सारे. One minute, Dhiren, मैं भी पढ़ लूँ. राइट ओके हाँ जी धीरेन बोलो मैम 10 सेंटीमीटर चल समझा दे फटाफट से मैम इक्वल कॉर्ड सबटेंड वो जो है वो ही वो परपेंडिकुलर है तो पाइथागोरस थ्योरम से ईबी की मोस्ट प्रोबेबली लेंथ 5 आनी चाहिए और उस दूसरी तरफ भी वो 10 दोबारा बताओ क्या 5 आना चाहिए मैम ईबी अच्छा फिर मैम 5 + 5 वो 10 हो गया ए बी 10 है तो सी डी भी 10 होगा नहीं 5 का क्या 5 क्यों निकाला तूने मैम वो पाइथागोरस थ्योरम से वहां पे 90 डिग्री बन रहा है रेडियस तो गिवन ही नहीं है ए बी गिवन है 10 पाइथागोरस थ्योरम कहां से वो तो फिर ये देखो ये सेंटर है दिस इज द सेंटर एवरीवन आई थिंक यू कैन सी ऑन द स्क्रीन बेटा गो अलोंग विद द एरो ये सेंटर है यहां से ये डिस्टेंस कॉर्ड तक और यहां से ये डिस्टेंस कॉर्ड तक ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस इक्वल है इफ द कॉर्ड्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर आर इक्वल इन लेंथ इनका डिस्टेंस सेंटर से इक्वल है इसलिए दो कॉर्ड्स इक्वल है इसलिए क्योंकि हमें ये रेडियस नहीं गिवन
इसलिए परपेंडिकुलर पाइथागोरस थ्योरम का तो कोई मेरे हिसाब से कोई यूज नहीं है। यस लक्ष्य, ठीक है, क्योंकि इनका डिस्टेंस सेंटर से इक्वल है, सो देयरफॉर द लेंथ ऑफ दीज कॉर्ड्स आर इक्वल। आगे देखिए, सो लास्ट क्वेश्चन ऑफ फॉर टुडे, लेट मी रीड ऑल्सो विद यू। चलिए अपना अपना पढ़ो सारे। BC is equal to OB. BC is joined to ACD25. Anyone? BC is equal to OB. A25. T plus 25, 80 plus 25, 115, 115, 180 minus 115, 105. ओके, हाँ जी, किसी को आया 75 डिग्री? देखो बच्चे, अगर आपको यहीं से क्लियर है, ये देखो, ये 25 है। As the bell has gone, so I will not draw this figure on the board. अभी देखो, ये 25 है, OB is equal to BC. अगर ये 25 है, तो ये भी 25 हुआ, ये वाला एंगल, ठीक है? अगर BOC में हम एंगल सम प्रॉपर्टी लगाते हैं, तो ये हमारा एंगल आ गया, ये 180 minus 50, 130. लीनियर पेयर से ये आ जाएगा 50. ये आ गया 50. अब ये भी रेडियस है सर्कल का, ये भी रेडियस है, दोनों साइड्स इक्वल हैं, तो अगर ये एंगल 50 है, तो ये भी 50, 50 प्लस 50 100, ये कितना आ गया, ये वाला AOB 80, ये 80 था, ये 25 है, 80 प्लस 25 105, इन तीनों एंगल्स का सम 180 है, स्ट्रेट एंगल, 180 माइनस 105 द एंगल इज, ये AOD कितना आ गया, 75. दिस इज वन ऑफ द वे, कोई और कुछ और थ्योरम लगाकर कर सकते हो, तो यू कैन जस्ट ट्राई, टेक द स्क्रीनशॉट, ठीक है, एंड यू कैन ट्राई, द आंसर इज 75. ओके, ठीक है जी, फाइन, ऑलराइट, सो सी यू ऑन मंडे एवरीवन, टेक केयर.